एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। साकरा जीएम सेंटर में आप सबका स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं पोटैटो वेजेस, तो बहुत ही आसान है इसे बनाना। हम इसे आपको दो तरीके से बना करके दिखाएंगे। देख सकते हैं ये बहुत ही क्रिस्पी सा बना है। एक हमने ये बनाया है ये कॉर्नफ्लेक्स की कोटिंग करके, और एक हमने ये बनाया है। दोनों ही बहुत क्रिस्पी सा बना है, देख सकते हैं। आवाज़ सुन सकते हैं कितना मज़ेदार सा। ये देखिए कितना करंची सा हमारा ये बना है, और ये भी बहुत ही करंची सा बना है। देखिए सुन सकते हैं कितना एकदम क्रिस्पी सा हमारा ये बन करके तैयार हुआ है। तो चलिए फिर बनाना शुरू करते हैं पोटैटो वेजेज। पोटैटो वेजेज बनाने के लिए हमने यहाँ पे लिया है आलू। ये देख सकते हैं हमने इसको आलू को इस तरीके के शेप में हमने इसको काटा है, और हमने इसका छिलका नहीं हटाया है। अगर आपका मन हो छिलका हटा के बनाने का, तो आप छिलका हटा के भी बना सकते हैं। और यहाँ पे हमने लिया है कॉर्नफ्लेक्स। कॉर्नफ्लेक्स का हमने दरदरा सा चूरा बना लिया है, ज़्यादा बारीक चूरा नहीं बनाया है इसको। दरदरा सा हमने इसको मिक्सी में थोड़ा सा पीस दिया है, तो ये दरदरा सा हो गया है। और ये हमने एक कटोरी मैदा लिया है। ये हमने लिया है चावल का आटा, 2 टीस्पून है। और यहाँ पर हमने लिया है चाट मसाला पाउडर, और यहाँ पर लिया हमने काली मिर्च का पाउडर, और ये हमने लिया कॉर्नफ्लावर। कॉर्नफ्लावर हम जौत के हिसाब से ही डालेंगे, पूरा नहीं डालेंगे। और यहाँ पे लिया हमने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक, और यहाँ पे हमने लिया ऑर्गेनो और चिली फ्लेक्स। तो पहले अब हम आलू को बॉयल कर लेंगे। हाफ बॉयल करना है हमें आलू को। यहाँ हमने पतीली में पानी डाल दिया, उसमें आलू डाल दिया है, देख सकते हैं। और इसमें थोड़ा सा नमक डाल देंगे, जो आलू के अंदर नमक चला जाए इसके लिए थोड़ा सा नमक डालेंगे, ज़्यादा नहीं। और इसे हमें हाफ बॉयल आने तक इसे पका लेना है, बस हाफ बॉयल करना है, पूरा बॉयल नहीं करना है इसको। तो ये देखिए हमारा आलू जो है सो उबल गया है, बस हमें हल्का सा ही उबालना था, तो ये हमारा आलू हल्का सा उबल गया है, देख सकते हैं। और पूरी तरीके से नहीं उबालना है, बस हाफ बॉईल करना है। तो इसे आप छान लेंगे। तो ये देखिए हमने सारे आलू को, देख सकते हैं हमने इसको छान लिया है, अच्छे तरीके से छान दिया हम इसमें, बिल्कुल भी आप पानी नहीं है। और अब हम इसमें ऊपर से थोड़ा सा कॉर्नफ्लावर इस पर कोटिंग कर देंगे, थोड़ा थोड़ा सा कॉर्नफ्लावर डाल के इसकी कोटिंग कर देंगे अच्छे तरीके से। तो ये देखिए हल्का हल्का सा कॉर्नफ्लावर डाल करके हमने इसकी कोटिंग कर दी है। अब इसको साइड करेंगे और घोल तैयार करेंगे। डोंगा लेंगे, डोंगे में डाल देंगे हमने जो ये मैदा लिया है, ये मैदा डाल देंगे हम इसमें, सारा ही मैदा डाल रहे हैं। और ये जो हमने लिया है चावल का आटा, ये डाल देंगे। ये हमारा 2 टीस्पून चावल का आटा है, और इसमें 2 टीस्पून भर करके कॉर्नफ्लावर भी डाल देंगे। जो हमने काली मिर्च का पाउडर लिया, ये भी डाल देंगे। काली मिर्च का पाउडर आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं, क्योंकि थोड़ा सा काली मिर्च का पाउडर तीखा होता है ना, तो उसके हिसाब से आप कम या ज़्यादा कर ले, जैसा आपको पसंद हो। और इसमें डाल देंगे चाट मसाला पाउडर, और हम इसमें कॉर्नफ्लावर का इस्तेमाल कर रहे हैं। आप चाहें तो अरारोट पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और अब हम इसमें डाल देंगे नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग, इसमें डाल देंगे थोड़ा सा चिली फ्लेक्स। इसमें हमने डाले चिली फ्लेक्स, इसमें डाल देंगे थोड़े से ऑर्गेनो। इन सबको हमें थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए इसका घोल बनाना है, ज़्यादा पतला घोल नहीं बनाना है हमें इसे, थोड़ा सा गाढ़ा ही घोल बनाना है। इसको थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए मिलाते जाएंगे, बिल्कुल भी गुठलियाँ ना रहे, ऐसा घोल बनाना है। ये देखिए हमारा घोल जो है बिल्कुल ऐसे ही होना चाहिए, इससे ना ही ज़्यादा गाढ़ा होना चाहिए और ना ही ज़्यादा पतला होना चाहिए। इसमें ऊपर से थोड़ा सा डाल देंगे हम लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा सा कलर आ जाएगा खूबसूरत सा, इसके लिए डाल रहे हैं। क्योंकि इसमें चिली फ्लेक्स डाल रही हैं, तो तीखेपन की इसमें जरूरत नहीं है, बस थोड़ा सा कलर लाने के लिए हम इसमें लाल मिर्च का पाउडर डाल रहे हैं। इसको भी डाल के अच्छे तरीके से मिक्स कर देंगे। तो ये देखिए हमारा घोल जो है सो तैयार हो गया, जो हमने मैदे का और कॉर्नफ्लावर वगैरह का घोल बनाया था। और तो अब हम इसमें जो हमने पोटैटो को बॉईल करके और कॉर्नफ्लावर की कोटिंग करके रखी है, उसको इसमें डिप करेंगे, और कॉर्नफ्लेक्स में इसको इसकी कोटिंग करेंगे अच्छे तरीके से, दोनों तरफ से पलट करके इसको अच्छे से कोटिंग कर देंगे इसमें।
और इसी तरीके से जितना भी है जो भी है सबको सबकी कोटिंग कर लेंगे, सबकी कोटिंग करके रख लेंगे। और हम इसमें कॉर्नफ्लेक्स की कोटिंग कर रहे हैं, इसकी जगह आप ब्रेड क्रम का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, उससे भी बहुत मज़े का बन सकता है आपका ये। तो हम लेकिन इसमें कॉर्नफ्लेक्स की कोटिंग कर रहे हैं, आप चाहें तो ब्रेड क्रम में भी कर सकते हैं। तो इसी तरीके से सारे को हम करके तैयार कर लेंगे। हम दो तरीके से बना रहे हैं, आधे को कॉर्नफ्लेक्स की कोटिंग कर रहे हैं और आधे को हम ऐसे ही करके दिखा रहे हैं आपको। तो ये देखिए, ये हमारा जो है हमने इसको कोटिंग कर ली है, ये देखिए तैयार हो गया। ये देखिए हमने थोड़े से को कॉर्नफ्लेक्स में कोटिंग किया है और जो हमने बचा के रखा है और उसको हम ऐसे ही फ्राई करेंगे डिप करके, जो हमने यहाँ पे कॉर्नफ्लावर मैदे का बैटर बना के रखा था उसमें। हम आपको ये इस तरीके से बना करके इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि इसे आप इस तरीके से करके फ्रीज़र में डीप फ्रीज में करके रख सकते हैं। ऐसे कम से कम 15 दिन आप फ्रीज में करके रख सकते हैं और जब आपका मन हो तो आप इसे गर्मा गर्म फ्राई करें और इसे खाएं तो बहुत मज़े का ही बनता है। तो इसलिए हम आपको ये कॉर्नफ्लेक्स में कोटिंग करके दिखाए हैं कि आप इसे फ्रीज़र में रख करके 15 दिन तक भी इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए फिर इसे फ्राई करना शुरू करते हैं। तो फ्राई करने के लिए हमने यहाँ पे ऑयल डाल दिया है गरम होने के लिए। हमारा ऑयल गरम हो जाए फिर हम डालेंगे अपने पोटैटो को फ्राई होने। तो ये देखिए हमारा ऑयल जो है सो गरम हो चुका है, तो हम अब इसमें पोटैटो डालेंगे फ्राई होने। अब गैस की फ्लेम को तेज़ करके ही हमें इसे फ्राई करना है, कम नहीं करना है क्योंकि हमारा पोटैटो जो है सो वो तो पहले से ही गला हुआ है, तो इस वजह से ऐसे गैस की फ्लेम को तेज़ करके ही इसे फ्राई कर लेंगे। उसके अंदर डाल देंगे एक एक करके, ऐसे बिल्कुल गोल्डन सा फ्राई करेंगे, क्रिस्पी सा। हमारा जो पोटैटो फ्राई हो चुका है, देख सकते हैं कितना बढ़िया सा हमारा ये फ्राई हुआ है। तो इसको हम निकाल लेंगे, प्लेट पर हमने टिश्यू पेपर रख दिया है, इसके जो भी एक्स्ट्रा ऑयल होगा टिश्यू पे आ जाएगा, उसकी वजह से निकाल लेंगे सारे को। देखिए कितने मज़े का ये फ्राई हुआ है। तो और जो अब हमारा बचा हुआ है बिना ये कॉर्नफ्लेक्स वाला, बिना कोटिंग वाला, तो उसको फ्राई करेंगे। तो हम जो ये हमने पोटैटो लिया है इसमें डिप करेंगे, इसमें डाल देंगे, इसी तरीके से सारे को डाल देंगे इसके अंदर, इसके अंदर डिप करते जाएंगे और ऑयल में डालते जाएंगे। करके सारे इतना एक बार में आ जाएगा, हम सारा डाल देंगे इसके अंदर। ऐसे हमने गोल्डन फ्राई होने तक, जैसे क्रिस्पी सा हमने उसको फ्राई किया है, वैसे इसको भी हम अच्छा सा क्रिस्पी सा फ्राई करेंगे। गैस की फ्लेम को तेज ही रखेंगे, कम नहीं करेंगे गैस की फ्लेम को, और इसको भी सारे को फ्राई कर लेंगे। ये देखिए ये भी हमारा जो है सो गोल्डन से फ्राई हो चुका है, देख सकते कितना बढ़िया सा हमारा ये क्रिस्पी सा बना है। तो इसको भी निकाल लेंगे हम, और जो भी हमारा बचा हुआ है सारे को हम फ्राई कर लेते हैं, उसको भी टिश्यू पेपर पे निकाल लेंगे। तो ये देखिए हमारा कितना मज़ेदार सा हमारा ये पोटैटो वेजेस बन करके तैयार हुआ। ये बहुत ही आसान है, हम इसको आपको दो तरीके से बना करके दिखाए हैं, तो आप इजली अपने घर में बना सकते हैं और बच्चों को दीजिए स्नैक्स टाइम पे, और चाय के साथ आप भी ले सकते हैं। बहुत ही मज़े का बना, बहुत ही आसान है इसे बनाना। इसके ऊपर से ना थोड़ा थोड़ा सा चाट मसाला ऊपर से डाल देंगे हल्का हल्का सा, और थोड़े थोड़े से धनिया पत्ती से गार्निश कर देंगे। तो ऐसी ही आसान रेसिपी के लिए मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।